यौम अल-क़ियामत बिलिजाम मिन नार, इल छुपाओगे तो जहन्नम की लगाम हमारे गर्दन में डाल दी जाएगी। लौ सकत अहलुल हक अन बयानिल हक लतवहम अहलुल बातिल अन्नहुम अलल हक। यूं फरमाया कि अगर हक वाले हक बात कहने से खामोश रहे तो गलत चलने वाले ये समझेंगे कि हम ही सही रास्ते पर हैं। इसलिए हक वालों की जिम्मेदारी है कि उम्मत को हक बतलाया जाए, हक पर चलाया जाए, हक पर चलाया जाए, अल्लाह से हक पर चलने की दुआ की जाए। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। ऐसा नहीं कि बातिल मत दिखा, बातिल भी दिखा और हक भी दिखा, लेकिन हक पर चला और बातिल से बचा। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया। इसलिए भाई नियामत की जिम्मेदारी है कि उम्मत की सही रहनुमाई की जाए। हमें दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाया, हम दीनार और दिरहम में नहीं बिकेंगे। हम लोगों से जरा सी इज्जत की खातिर हक बात कहने से नहीं चुकेंगे। हमारी इज्जत तो अल्लाह के यहाँ होगी, हमारा मकाम तो अल्लाह बताएंगे कि हमारा क्या मकाम। दुनिया वालों से हमें नहीं चाहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और अपने आप को झुकाया और अपने आप को लगाया, अपने आप को खपाया, उम्मत की खातिर अपने आप को मिटाया, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। ये है इकराम, ये है एहतराम जो आसमान से आया। ला तजअलू दुआ अर-रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा। ये नबी का इकराम, ये नबी का एहतराम। अल्लाह ने, हम नबी के वारिस हैं, हम नबी के नायब हैं, अल्लाह ने हमें इल्मे नबूवत दिया है, हम वारिसीन अंबिया, हमें अपना जानमाल लगाना है, खपाना है और अल्लाह से अजर लेना है। और इस वक्त के हालात में अपनी मेहनत को, अपनी कुर्बानी को, अपनी फिक्रों को बढ़ाना है, किसी से मुतासिर नहीं होना। असल में लोग जो है ना, एक अवामुन्नास के रेले को देखकर लोग समझते हैं कि अरे भाई इनका तो मजमा बहुत है, इनकी हमें किसी से मुतासिर नहीं होना। अंबिया अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि उनकी निगाह सिर्फ अल्लाह की तरफ रहती थी, उनके दिलों में इखलास होता था। और नबियों पर क्या, अरे नबियों के जो मुखालिफीन थे वो क्या दलील देते थे, वो यही तो कहा करते थे, मन अक्सरु नदिया, मन अक्सरु जमा। हाँ, मजलिस तो हमारी ज्यादा जमती है, मजमा तो हमारा ज्यादा होता। तो ये कोई उसकी पहचान नहीं, भाई मेहनत करेंगे तो मजमा बढ़ेगा। हाँ, मजमा बढ़ेगा, लेकिन सही बात पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना इलियासा रहमतुल्लाह अलैह ने एक काम शुरू किया था, एक फिक्र थी, एक गम था, एक डर था, एक कुरान थी, अल्लाह ने उसको कबूल किया। उसी तर्ज पर, उसी नहज पर, उसी फिक्र पर, उसी कुर्बानियों पर अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम भाई, अब तो सब उलमा है, लेकिन अगर उलमा और अवाम में दूरी पैदा हो गई, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि जब अवाम उलमा पर इल्जाम लगाते हैं, ये बहुत ही बड़ी उम्मत के लिए महरूमी की बात है, ये मुस्तकबिल काबिलात नहीं है, ये बहुत खतरा है। फिर हम अपने जान माल और अपनी नस्लों की हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ताल्लुक होना चाहिए अवाम को, प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, इकराम से करीब करना है और उनको सही बात की तरफ लाना। अभी कल आपके सामने बातें आएंगी कि काम के अंदर किस तरीके से बिल्कुल उलझ दिया गया। और भाई मोटी मोटी बात तो यही है, काम की बुनियाद मशोरा है, काम की बुनियाद इज्तिमाईयत है, काम की बुनियाद इखलास है, काम की बुनियाद यानी ताल्लुक मानना है, ये काम की बुनियाद है। जीरोबंदी थोड़ी, इफ्तिराक और इंतशार थोड़ी, मशोरे की बगावत थोड़ी कि भाई मशोरे में एक चीज तय हुई और आप ये कहें कि नहीं वो चलेगी जो हम कहेंगे, चलाओ नहीं, कौन मना करता। तो मशोरे के खिलाफ कोई बात चलाई जाएगी तो आपके पास कितनी पावर हो, उम्मत तो मशोरे से जुड़ेगी, दिल जो जुड़ते हैं वो मशोरे से जुड़ते हैं। अरे है नहीं, आप हजरात के सामने वो वाकया है
कि जब गज़वाए अहद के अंदर सहाबा से थोड़ी सी चूक हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरानी के आसार कुछ नुमाया हुए, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में आयतें नाजिल की और फरमाया कि ए नबी, अपने साथियों को प्यार मोहब्बत से चलाओ, सख्ती से नहीं। ये जो नरमी है ना, जिस नरमी से ये लोग आपके करीब आ गए, ये नरमी हमने आपको दी है। अगर आप सख्त दिल होते तो आपका मजमा आपके पास नहीं होता, ये सब तितर बितर होता। यानी मजमा अगर मेरे पास से जा रहा है तो ये मेरी मेरी वजह से जा रहा है। ये किससे कहा गया? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, अल्लाह ने अपने फजल से आपको नरम दिल बनाया है। وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, अगर आप सख्त दिल होते, जबान के तेज होते, तो ये सारा मजमा आपके पास से चला जाता। इसलिए इनको जोड़िए, इनको तोड़िए मत। कि जोड़ने के लिए क्या करूं? فَعْفُ عَنْهُمْ, माफ कर दीजिए, सब भूल जाइए। وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, रातों को उठकर इनके लिए इस्तिग़फ़ार करिए। ये आपके हाथ पैर हैं, ये अल्लाह ने इनको आपका यानी आपका साथ देने के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया है, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करिए। वशामिलहुम फिल अमर, और इनसे मशवरा भी करिए। मशवरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहा गया कि आप मशवरा करिए। तो साहिब जलालैन ने लिखा है कि मशवरे का हुक्म दिया गया दो वजह से, तालीमन लिल उम्मा व तालीमन लिल क़ुलूब। तालीमन लिल उम्मा व तालीमन लिल क़ुलूब, इंसानियत उम्मत के दिलों को जोड़ना था और उम्मत को मशवरे का मशवरा सिखलाना था कि क़यामत तक अपने उमूर को मशवरे से तय करना। इससे दिल जुड़ेंगे, दिल भटते हैं जब मशवरे की खिलाफ वर्जी होती। पिछले बार रहमतुल्लाह अली का एक खत है जो हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अली को लिखा था, वो खत आज भी महफूज है। कि मेरा दिल चाहता है कि आगे ये जो जमात का काम है, तबलीग का काम है, एक मशवरे की जमात के तहत रहना चाहिए, किसी फर्द के तहत ना रहे। अब उस जमात के अंदर उलमा भी हो और सियासी हजरात, वो दुनियावी सियासत नहीं, इस्लामी सियासत जो आजकल हमारे अकाबिल है, कि इनमें से भी वो लोग शरीक हों, ताकि काम सही तरतीब से और सही नहत पर और हालात हाजरा के सिलसिले में मालूमात के साथ काम चलता रहे कि इस वक्त उम्मत में क्या जरूरत है, उम्मत पर क्या हालात है। ये उनकी मंशा थी, ये उनकी चाहत थी, जिसको हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा किया, मशवरे की जमात बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब मशवरे से काम हटा और एक तरह से मनमानी शुरू हुई, तो काम पर हालात आ गए। उन हालात की वजह से मजमा मुंतशिर हो गया, शिराजा बिखर गया, तितर बितर हो गया और इमारत टूट गई। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, फिर उसकी बुनियादों को मजबूत करना है, इंशाल्लाह इमारत तो खुद मजबूत हो जाएगी। इमारत मजबूत करने में कुछ टाइम नहीं लगता, वो बुनियादें महफूज रहनी चाहिए। अगर बुनियादें खोखली हो गई तो 50 मंजिला इमारत भी नीचे आ जाएगी, मचानी नुकसान होगा, कितना होगा। तो इसलिए भाई, आप हजरात को यहाँ बुलाया है, जमा किया है, इंशाल्लाह कल दोपहर तक हमारा ये निज़ाम चलेगा, इसमें वो सारी बातें आप हजरात के सामने आएंगी कि हम काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, काम की बुनियादों को कैसे महफूज करना है। तो हमारे सारे साथी इन मजालिस के अंदर शरीक रहें और वही अल्लाह से दुआ भी करें। इखलास ऐसी चीज़ है, इखलास, कि जिसके दिल में इखलास होगा, अल्लाह उसको हिदायत का चिराग बना देंगे। और अगरास जर्रा बराबर भी आएगी तो कितने अच्छे मुकर्रर शोला बया क्यों ना हो, तकरीर से तो काम चलेगा ही, खालिस तकरीर से, जिसको कहते हैं लफाजी, वो तो अंदर की माया है जो लोगों को मुतासिर करे। अभी यानी हम जमात में थे गुरुकुल के अंदर, तो मरकज में एक अरब एक किताब पढ़ रहा था, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर मौलाना अलीमिया साहब ने लिखा है, तो उसमें लिखा हुआ था, अशेख इलियास रहिमहुल्लाह लम यकुन खतीबन इन्नमा हुआ यतकल्लम यतताअतु, बोलते थे तो जरा अटकते थे। तो उसने जब पढ़ा तो मुझे देखा उसने दूर से कि ये कोई हिंदुस्तानी है लिबास से, उसने बुलाया, कहने लगा आप कहाँ से आए? मैंने कहा हिंदुस्तान से।
कह रहे हैं शेख इलियास लम यकुन खतीबन, वल्लाही लम यकुन खतीबन, वल्लाही मक्तूब फी हाज़ल किताब। शेख और अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह तो उनके मुआसिर थे, वो हमसे ज्यादा जानते थे जिन्होंने इस किताब में लिखा कि वो मुकर्रर नहीं थे। कहने लगा हमारे यहाँ तो वही कायद और रहनुमा बनता है जो बड़ा मुकर्रर होता है, जिसके अंदर तकरीरी सलाहियत होती है। लम यकुन खतीबन, यानी इतना उसने ताज्जुब का इजहार किया कि वाकई ये तो यानी जो अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया है ये खालिस अल्लाह की मदद से ही काम हुआ है, अल्लाह की मदद से ही काम। और जितने भी भाई काम होते हैं दीनी, हमारे मौलाना कासिम साहब नाना पीर रहमतुल्लाह अलैह के जो अकाबिर थे जिन्होंने इदारे कायम किए हैं, इनमें भी बहुत से ऐसे थे कि वो बेचारे अरबी जबान में नहीं बोल पाते और सारी दुनिया में उन्होंने अरबी जबान को राइज कर दिया। तो अल्लाह ताला तो अंदर की तरफ देखते हैं, अंदर का इखलास देखते हैं, अंदर की फिक्र देखते हैं और फिर अल्लाह ताला काम लेते हैं। जैसे भाई अल्लाह ने काम लिया, हम में से भी कितने ऐसे होंगे जिनके अंदर सलाहियत है, इस्तेदाद है और इस मौके पर हम बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं उम्मत को सही रास्ते पर लाने का। अन्नासु मआदिन का मआदिन ज़हबी वल फिद्दा खियारुहुम फिल जाहिलिया खियारुहुम फिल इस्लाम इला फकु, सोने चांदी की काने हैं, अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं, हम अपनी सलाहियतों को अपनी जान और माल को इस पर निछावर करें कि किस तरीके से उम्मत सही रास्ते पर आ जाए, उम्मत का भला हो जाए, इंसानियत जहन्नम वाले रास्ते से बचकर जन्नत वाले रास्ते पर आ जाए, अकीदत परस्ती से हट जाए और बसीरत परस्ती पर आ जाए। क्योंकि देखो जितने भी फिरके बने हैं सबसे बड़ा किरदार अकीदत परस्ती का रहा है, सबसे बड़ा किरदार। अल्लाह हमारी इबादत पर उसको बयान करने का मौका नहीं है, पर हजरत उमर रजी अल्लाह ने उस दरख्त को कटवा दिया था जिस दरख्त के नीचे बैत रिजवान हुई थी। क्यों कटवा दिया था? डर था कि कल को आकर लोग इसके पत्ते चबा कर ये ना समझे कि बस मकबरत का ठेका तो यहीं पर है। हालांकि वो मोहतरम जगह है, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا। लेकिन कटवा दिया, वो बिल्कुल बहुत दूर रखना चाहते थे। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अदरकत नसारा ईसा इब्न मरियम, जैसे नसारा ने ईसा इब्न मरियम को बाचा लिया था तुम मुझे बाचा मत देना। अना अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं पहले बंदा हूँ बाद में रसूल हूँ। हालांकि नबी की कितनी शान है, कितनी ऊंची शान है, लेकिन सहाबा से ये कह रहे कि मुझे इतना मुबालमा मत करना मेरी जात के बारे में कि उलूहियत तक पहुंचा दो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ फिर रसूल हूँ। बंदगी पहले है रिसालत बाद में है, अब्दियत पहले है और रिसालत बाद, और अल्लाह को अब्दियत ही पसंद है। जहां जहां अल्लाह ने अपने नबी के लिए कुरान मजीद के अंदर अहम अहम मवाक़े पर अपने नबी का तज़किरा किया है वहाँ नबी और रसूल और मोहम्मद नहीं कहा, वहाँ अब्द ही कहा है, क्योंकि अब्दियत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेराज कितना अहम वाक़िया, वहाँ ये नहीं कहा सुभानल्लज़ी असरा बिनबीही बिरसूलिही बिहबीबिही बिमुहम्मदिही बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो इसलिए भाई हमें एतराज़ जो है वो इसकी खूबी है। एक हदीस है हामिलीन इल्म की जिम्मेदारियाँ तीन हैं, कितनी जिम्मेदारियाँ भाई तीन। एक जिम्मेदारी है कि जाहिलों की तावील को दूर करना, ये हमारा काम है। व तावील जाहिलीन इंतहाल मुबतिलीन, जो बातिल अफकार हैं, बातिल अकायद हैं, बातिल नज़रियात हैं, बातिल बातें हैं, उन बातों का रद्द करना ये भी अहले इल्म की जिम्मेदारी है। तहरीफ अल गाली, गुलू करने वाले जो तहरीफ गुलू करते हैं और गुलू करने में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो बिल्कुल शिरकियां होती हैं, उन बातों को पहचानना और उन बातों को दूर करना ये भी अहले इल्म की जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे अवामुन्नास अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उम्मत का बहुत बड़ा तबका गलत तावीलों के चक्कर में पड़ा हुआ है, गुलू के अंदर ऐसी तहरीफ कर रहा है जो शिर्क के करीब पहुंचा देती है,
इसलिए प्यार मोहब्बत के साथ उनकी रहनुमाई करना, उनकी रहबरी करना, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ठेका हमने लिया नहीं है, लेकिन मेहनत का मुकल्लफ अल्लाह ने हमें बनाया। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, इन्नमा अंता मुज़क्किर, हम सब भी मुज़क्किर हैं, हम सब भी मुबल्लिग हैं, हम सब भी मुंज़िर हैं, हम सब भी बशीर और नज़ीर हैं, हम सब